हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5B तक सारे क्वेश्चंस कर लेते ना, आज हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को एक्स एंड वाई का कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है 1,80,000 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। रेशियो गिवन है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 12%। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। वाई का एनुअल सैलरी गिवन है 6,000। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 50,000। प्रॉफिट गिवन है 50,000। आगे लिखा हुआ है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट पे मैनेजर को 10% के हिसाब से कमीशन पे किया गया। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के अलावा कोई भी और अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस गिवन हो, चाहे वो मैनेजर से रिलेटेड हो या फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। ओके, सॉल्यूशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम मैनेजर्स कमीशन की एंट्री करेंगे। ओके, उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपके क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन या फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी इनकम्स या फिर एक्सपेंसेस गिवन हो, तो उसके लिए हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है ना 50,000, उसकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे, उसकी एंट्री हम इसमें करेंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, प्रॉफिट पे ही मैनेजर कमीशन कैलकुलेट किया गया। ओके, यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट 50,000। मैनेजर्स कमीशन फॉर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? फॉर्म मैनेजर को पे करेगी ना कमीशन, तो फॉर्म के लिए ये एक्सपेंस हुआ। फॉर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। तो यहां हो जाएगा 2 मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा 50,000 × 10/100, 5,000 हो जाएगा ना। यहां लिखेंगे 5,000, हो गया, बस इतनी ही एंट्री होगी। अब आप लोग टोटल कर ले, 50,000 − 5,000 कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 45,000 और ये हो जाएगा यहां पे 2 नेट प्रॉफिट। टोटल कर ले, ये हो जाएगा 50,000, इस साइड भी सेम हो जाएगा 50,000, हो गया। मैनेजर्स कमीशन की एंट्री हमने कर ली, अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, एंड इस नेट प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 45,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। इंटरेस्ट रेट 12% गिवन है ना, एक्स का कैपिटल कितना दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा 12,000, यहां लिखेंगे 12,000। उसके बाद वाई का कितना दिया हुआ है 80,000, 80,000 × 12/100 कितना हो जाएगा 9,600। इजी कैलकुलेशन है ये सारे, तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। 12,000 + 9,600 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 21,600, हो गया। उसके बाद वाई को सैलरी दिया गया, यहां हो जाएगा 2 वाइज सैलरी 6,000। बस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी ही एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब आप टोटल करिए,
इस साइड हो जाएगा 45,000, 45,000 माइनस 27,600 कितना हो जाएगा? सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करिए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 गिवन है। तो पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15 3 8 24 5800 into 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,600। उसके बाद y का देखिए, 17,400 into 1/3, y का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1 ना, तो इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 5,800। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का कितना आया था 11,600 एंड वाई का आया था 5,800। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 17,400, यहाँ हो जाएगा 45,000। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं ना, यहाँ हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी। एक्स का कैपिटल कितना दिया हुआ है 1 लाख एंड वाई का 80,000 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का आया था 12,000 एंड वाई का आया था 9,600। वाई को सैलरी भी पे किया गया, यहां हो जाएगा बाय सैलरी 6,000 हो गया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था उसकी भी एंट्री करेंगे, यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्स का कितना आया था 11,600 एंड वाई का 5,800 हो गया। इतनी ही एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स गिवन है नहीं। अगर ड्रॉइंग्स गिवन होता तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं ना, क्रेडिट साइड में इतनी एंट्री होगी। टोटल कर लीजिए 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600, ये हो जाएगा 1,23,600। ओके, y का कैलकुलेट करिए, 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, ये हो जाएगा 1,01,400। आंसर आप लोग चेक कर ले, यहां हो जाएगा 2 बैलेंस CD 1,23,600 एंड 1,01,400। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जब भी आपके क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन गिवन हो तो उसके लिए हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ओके, माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मैनेजर्स कमीशन की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पार्टनर्स से ही रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।